नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मेरा नाम है महिमा। दक्षिण से लेकर पश्चिम तक रेल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटने की कोशिश की गई, उतरवाने की कोशिश की गई। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पीछे कौन है उपद्रवी, ये प्लान किसका है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। निशाने पर रेल, आतंकी खेल। सूरत टू कानपुर, टारगेट पर ट्रेन। जी हां, शुक्रवार को सूरत में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश का खुलासा हुआ भी नहीं कि अब कानपुर में एक बार फिर रेल को बेपटरी करने की साजिश सामने आ गई। कानपुर में भी ट्रेन के सामने गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई। सवाल है कि 3 दिनों के अंदर देश के 2 अलग-अलग शहरों में रेल को बेपटरी करने की साजिश किसने रची? कौन है वो आतंक का खलीफा जो रेल को बेपटरी करने की साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है? पहले सूरत की ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पर लोहा बिछाकर, पटरी पर पत्थर रखकर, पटरी के फिश प्लेट और कीज हटाकर रेल को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत रही कि सूरत के जिस रेलवे स्टेशन के पास ये साजिश अंजाम तक पहुंचती, स्थानीय लोगों की नजर पटरी पर पड़ गई, जिसके बाद सतर्कता की बदौलत एक बड़े हादसे को टाल दिया गया, वरना तस्वीरें कुछ और ही होती। किम और कुसुम्बा विस्तार के रेलवे ट्रैक पर एक तरफ के ट्रैक के 2 फिश प्लेट को निकाल के दूसरी तरफ ट्रैक पर रखा गया है और रेलवे की ट्रैक की जो कीज हैं उनको 50 से ज़्यादा कीज को लूज करके ट्रेन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। इस वारदात का पता चलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीमें तुरंत मौका वारदात पर पहुंच के रेलवे व्यवहार को फिर से एस्टेब्लिश कर दिया है। ये जो क्रिमिनल एक्ट जो हरकत की गई है उसके लिए पुलिस लीगल एक्शन ले रही है। जानकारी के मुताबिक इस साजिश की खबर मिलने के बाद गुजरात एटीएस और एनआईए की टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन आतंक के खलीफाओं ने तो जैसे पूरे देश को ही अपने नापाक इरादे से दहलाने की साजिश रची हुई है। सूरत में हुई इस साजिश का खुलासा अभी हुआ भी नहीं कि रविवार सुबह कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटने की साजिश रच दी गई। दिल्ली हावड़ा रूट लाइन पर प्रेमपुर स्टेशन के करीब 200 मीटर दूर ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यहां भी हादसा इसलिए टाला जा सका क्योंकि लोको पायलट की नजर रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर पर पड़ गई, जिसके बाद लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए किसी तरह ट्रेन को रोककर ट्रेन को हादसे का शिकार होने से बचा लिया, वरना रविवार सुबह एक मनहूस खबर सुनने को मिल सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक के बाद एक सामने आ रही इन घटनाओं के पीछे कौन है जो लगातार रेल को निशाना बना रहा है? कहीं ये किसी बड़े आतंकी संगठन का काम तो नहीं? यह आशंका इसलिए क्योंकि कानपुर की घटना रेल पलटने की 22वीं कोशिश है। उत्तर से दक्षिण तक ऐसी साजिशें सामने आ चुकी हैं। फरवरी से शुरू हुई साजिश लगातार जारी है। हालांकि जांच एजेंसियां ऐसी साजिश रचने वालों की जड़ें खंगालने में जुटी, कानपुर के संदिग्धों की भी तलाश जारी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी ऐसी साजिशों पर लगाम कसने के लिए ट्रेनों के सामने कैमरे लगाने की मंजूरी दे चुका। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों अपने ही देश के लोगों को निशाना बनाने की साजिशें लगातार देश में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कानपुर में ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि साजिश का खलीफा कौन है? आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए से पहले कब कब कहां ऐसे मामले सामने आ चुके। पश्चिम बंगाल, 12 जुलाई की बात करें, रेलवे ट्रैक तोड़ने की कोशिश की गई।
ये पहला मामला। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, 1 अगस्त 2024 को एक ऐसा ही मामला लखनऊ से भी सामने आता है। लखनऊ में भी रेलवे ट्रैक पर कैसे साजिश रची गई वो आपको हम बता रहे हैं। 17 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर आज खबर आपको बता रहे हैं, वहां से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके। लोहे का आपको बता दें कि वहां पर क्लैंप रखा गया था। 18 अगस्त 2024 की बात करें, मध्य प्रदेश ऐसा मामला सामने आता है। जबलपुर में भी रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड छोड़ी गई थी। 20 अगस्त उत्तर प्रदेश से एक और ऐसा मामला सामने आया, प्रयागराज से। प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बाइक का अलॉय उस वक्त रखा गया था। 23 अगस्त उत्तर प्रदेश से एक और मामला आपको बता रहे, यूपी से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फरुखाबाद की अगर बात करें, वहां पर रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा ब्लॉक मिला था। 24 अगस्त साल 2024, राजस्थान आ जाइए, राजस्थान की जानकारी आपको देते हैं। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए मिले थे। फिर राजस्थान की बात करें, 28 अगस्त को एक और मामला सामने आता है। 12 में रेलवे ट्रैक पर बाइक का एक बड़ा स्ट्रैप उस दौरान मिला था। तेलंगाना साउथ आ जाइए, आपको लगातार बता रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रंगारेड्डी से भी कैसे मामला सामने आता है, वहां पर भी लोहे की रॉड रखी गई थी। उत्तर प्रदेश से 9 सितंबर को एक मामला सामने आया। कानपुर से ही एक और मामला, कानपुर से आपको बता, रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर उस वक्त भी मिला था और एक बार फिर से मिला है, लेकिन यह सिलेंडर छोटा मिला है। 20 सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक मामला ऐसे सामने आता है, जहां पर पत्थर मिले थे, एक बड़ा पत्थर रेलवे ट्रैक पर रखा गया था। गुजरात का मामला आपको बताते हैं, 20 सितंबर को सामने आया था। सूरत में रेलवे ट्रैक पर इस तरह से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, 22 सितंबर को एक और मामला सामने आता है। कानपुर से ये खबर आपको बता रहे, ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला, ये छोटा गैस सिलेंडर। इसलिए कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि साजिश कौन रच रहा है, इसके पीछे कौन है, जांच की जा रही है। लेकिन कानपुर से ताजा मामला सामने आया है, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला, लेकिन ग्राउंड से क्या अपडेट सामने आया, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही ग्राउंड से, हमारे सहयोगी गौरव की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में लगातार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आ रही। दरअसल इस बार आपको बता दें, प्रेमपुर का मामला है जो कि महाराजपुर के पास पड़ता है, और आपको बता दें ये वही ट्रैक है जिस पर जो सिलेंडर है उसको रखा गया था। ये निशान है, कुछ जो रेलवे की टीम्स हैं वो लगातार जांच में जुटी हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार जाँच में जुटे हैं कि कैसे एक के बाद एक महीने में तीसरी घटना है जब ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई है। आपको बता दें 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस पे जो आगे एक ऑब्जेक्ट को रख के उसको डिरेल कराया गया था, साफ तौर पर 22 डिब्बे उसके डिरेल हुए थे। और उसके बाद ही अब आपको बता दें कि 9 सितंबर को कलंदी एक्सप्रेस जो कि शिवराजपुर में थी उसको डिरेल करने के लिए सिलेंडर रख के एक ब्लास्ट की साजिश की गई थी। उसके बाद आज फिर कानपुर में भी एक साजिश फिर की गई है। कौन है इसके पीछे, उन लोगों की जांच पड़ताल के लिए लगातार जो पुलिस की टीम्स हैं वो लगी हैं। फिलहाल पुलिस ने जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करके फॉरेंसिक टीम्स को दे दिया है, और आसपास के गांवों में इस बात की जांच की जा रही है कि कौन ऐसे लोग थे जो इस टाइमिंग के दौरान यहां से गुजरे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे। ट्रेन को डिरेल करने की एक और नाकामयाब कोशिश की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इसके पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन खबर मिलने के बाद देश की जांच एजेंसियां अब हरकत में आ चुकी है।